हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग होम 24। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीबीपी टेलीकॉम कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आप सभी को आईटीबीपी टेलीकॉम के रिजल्ट्स का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है और इसका देखिए रिजल्ट जो है काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। तो आज आपको बताया जाएगा कि इसका रिजल्ट जो है कब तक आएगा और आपको बिल्कुल सही जानकारी इसमें दी जाएगी और इसमें आपको साथ में मेडिकल की जो है मेरिट भी बताई जाएगी, क्योंकि मेडिकल की मेरिट देखिए हमने वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड की हुई है वैसे इसकी मेरिट लिस्ट की, परंतु जो अभी जो इसकी मेरिट होगी वो इसलिए डिफरेंट होगी क्योंकि जो इसमें वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है और हम आपको विद प्रूफ बताएंगे और बताएंगे कि आप जो है इसकी वैकेंसी इम्प्रूव होने के चांसेस क्या हैं और कितनी इसकी वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो है रिज़ल्ट डेट की, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आईटीबीपी की जो है जो इनका रिक्रूटमेंट नंबर है, अगर आप वहां से संपर्क करेंगे तो आपको जो है काफ़ी सारी डिटेल वहां से प्रोवाइड करवाई जाएगी और कुछ एक जो हमारे ऑफिशियल्स हैं जिनके साथ हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसका जो रिज़ल्ट है अभी मतलब बहुत कम चांसेस है कि अभी मई तक आए, लेकिन ऐसा है कि शायद जो है इसकी जो है 31 मई से पहले पहले इसका रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नहीं आता है तो 15 जून डेफिनेटली 15 जून से पहले पहले आपको इसका रिज़ल्ट जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद रिज़ल्ट के साथ साथ जो आपके लिए गुड न्यूज़ है, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है कि गुड न्यूज़ फॉर ऑल कि वैकेंसी जो है इंक्रीज़, तो फ्रेंड्स वैकेंसी की भी बात करेंगे कि क्या मतलब ऐसा हुआ जिससे कि जो है वैकेंसी के इंक्रीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और फ्रेंड्स, अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो आपकी जो है मेरिट के पे भी उसका असर पड़ेगा और जो है आपकी जो मेरिट है वो कम जाएगी पहले के बजाय, क्योंकि पहले की वैकेंसी की बात करें तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है 218। ठीक है फ्रेंड्स, 218 है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको देखिए इस पर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज़ होगी या नहीं होगी, कि हम गलत बता रहे हैं, देखिए अब हमारी जो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी थी उसमें भी हमने आपको बताया था, एक अलग से वीडियो बनाई थी कि इसकी जो है वैकेंसी इंक्रीज़ होगी। और फ्रेंड्स, आपने जिन्होंने वो एग्ज़ाम दिया होगा और उन सभी को पता है और आपको विद प्रूफ बताएंगे हम कि जो है वैकेंसी उसकी इंक्रीज़ हुई थी। हमने आपको बताया था कि उसकी जो वैकेंसी है टोटल वैकेंसी थी 62, वो इंक्रीज़ होगी, तो वो भी आगे आपको बताएंगे कि कितनी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी और कितनी इसकी वैकेंसी भी इंक्रीज़ होगी। और चलिए यहाँ से देखेंगे आपकी टोटल जो आपकी मेल की वैकेंसी है वो 185 है और इसी प्रकार से जो फीमेल की है वो 33 और ये कांस्टेबल टेलीकॉम की है। ठीक है, तो ये थी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। तो अब बात करेंगे कि वैकेंसीज क्यों बढ़ेंगी। तो देखिए आप यहाँ से देखिए आप तो देखिए अभी ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये यहाँ से जो है ये थी आईटीबीपी कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसीज थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी थी वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल जो है यहाँ से 45 थी मेल्स की। ठीक है, और उसी प्रकार से 8 थी जो है डायरेक्ट एंट्री फीमेल की और उसके बाद इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी 62। और फ्रेंड्स, जो ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है कितनी इंक्रीज़ हुई थी, हमने जितनी आपको बताई थी उतनी ही ये वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है। तो आपको बताएंगे कि देखिए आगे देखिए जो इम्पोर्टेंट बात, तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो रिवाइज वैकेंसी ऑफ हेड कांस्टेबल सीएम और ये जो है डायरेक्ट एंट्री है रिक्रूटमेंट थी आईटीबीपी की 2017 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपने वहाँ से देखा था कि जो जनरल की वैकेंसी थी वो 22 के समथिंग थी और ये जो है एसटी की जो वैकेंसी थी लगभग ना के बराबर थी वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और एससी और ओबीसी की जो वैकेंसी थी वो काफ़ी कम थी। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसी वहाँ पर जो है मेल्स की 45 थी। तो अब आप यहाँ से देखेंगे अगर तो टोटल नंबर ऑफ मेल की वैकेंसी है वो है यहाँ से 185। तो आप लगा सकते हैं कि देखिए लगभग जो है चार गुना जो है वैकेंसी जो है चार गुना से भी ज़्यादा जो वैकेंसी है इंक्रीज़ हुई थी सिर्फ और सिर्फ मेल्स की। और अगर आप फीमेल की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और जो डिपार्टमेंटल थी वो भी यहाँ से 21 हुई थी। तो इस प्रकार आप देखिए जो टोटल वैकेंसी थी पहले वो थी 62 और उसके बाद जो वो फाइनल हुई वो हुई 239। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसमें बदलाव हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही अभी जो कारण है, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो कांस्टेबल
जो है टेलीकॉम है उसकी भी वैकेंसी जो है इंक्रीज़ हो सकती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो आपको पता है अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो वो दो तीन या चार नहीं होती है, वो वैकेंसी जो है ठीक ठाक ही जो है इंक्रीज़ होती है। तो इसका आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और इस हिसाब से अगर हम मेरिट की बात करें कि मेरिट कितना जाएगी जो है आगे मेडिकल के लिए, आपको पता है इसके बाद जो अब मेरिट में सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे मेडिकल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी बात करते हैं कि मेरिट आपकी कट ऑफ भी क्या रहेगी कि अगर वैकेंसी इंक्रीज़ होती है। देखिए चांसेस हैं इसके वैकेंसी इंक्रीज़ होने के, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है जितना पेंडिंग होगा, जितना लंबी रिक्रूटमेंट होगी उसमें जो है वैकेंसी इंक्रीज़ होने के उतने चांसेस होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें जो है वैकेंसी अगर आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो आपके सामने हैं। देखिए अगर जनरल की बात करें, आपको जल्दी से बताएंगे कि जनरल की बात करें वो है 73, 73 तक जा सकते हैं अगर वैकेंसी जो है इसी प्रकार से जो है इंक्रीज़ होती है, 73 या 75 के बीच में मान के चलिए। ठीक है, और इसके ऊपर नीचे हो सकता है। आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी जो हमने कट ऑफ से रिलेटेड बताई हैं, उसमें सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स देखिए ये वीडियो हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए थे और कमेंट भी काफ़ी सारे आए थे कि सर जो है वीडियो बनाए, तो इसीलिए हमने जो है काफ़ी दिन लगे इस वीडियो को जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कि रिज़ल्ट के बारे में आपको बताया कि रिज़ल्ट जो है इसका इस महीने के अंत तक बहुत कम चांसेज है, फिर भी अगर आता है तो ठीक है वो आपको बता दिया जाएगा और जून के 15 जून तक इसका जो है हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे, आपको कट ऑफ भी बताएंगे यहाँ से, और जो है साथ में आपको वैकेंसी के प्रूफ बताया कि हमने किस प्रकार से जो है वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने वही आपको बताया है जो एक्चुअल में है चीज, कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया है आपको। जो है पीडीएफ प्रोवाइड, जो पीछे आपने बताया कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है, वो आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट है, वहां से आप उसको दोबारा जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहां से अगर एससी की बात करें तो 64 तो नहीं रहेगा, 64 या 65 या फिर 70 के बीच में, 70 प्लस भी हो सकता है परंतु 65 तक भी आप उम्मीद कर सकते हैं इस चीज़ की। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करेंगे आप एसटी की, तो देखिए पिछली बार जो कांस्टेबल की मिनिस्ट्रियल था, हेड कांस्टेबल, उसमें जो है एसटी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम थी, पर जब इंक्रीज़ की तो वो एससी से भी, जो एससी कैटेगरी से भी ज़्यादा कर दी गई थी। तो इनकी जो है मेरिट आप मान सकते हैं 65 या फिर 67 प्लस होगी। और उसके बाद ओबीसी के, देखिए ओबीसी की तो हाई रहेगी क्योंकि इनकी वैकेंसी जो है अभी थोड़ी कम होगी, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो वहाँ पे सबसे कम भी ओबीसी की थी और सबसे ज़्यादा मेरिट जो गई थी जनरल और ओबीसी की गई थी वहाँ से। तो आप इनकी भी जो है सेम टू सेम जनरल के बराबर मान सकते हैं, 73 प्लस होगी। और देखिए एक्स्ट्रा जो आपको 25% एक्स्ट्रा है, ये आपको बताया है कि जो इनमें से अगर जो मेन है जो सिलेक्टेड होते हैं, अगर उनमें से कोई मेडिकल में अनफिट होता है या फिर किसी कारण से एबसेंट रहता है, तो जो 25% में एक्स्ट्रा होंगे उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है और वो भी सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आईटीबीपी हेड कांस्टेबल, सॉरी आईटीबीपी कांस्टेबल जो टेलीकॉम था उसके बारे में। देखिए क्या देखा आपने कि रिज़ल्ट की डेट और उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज़ और कट ऑफ। देखिए देखिए यही जो मेन बातें थी इसमें, और आगे जो कोई भी इसमें बदलाव होता है, कभी भी जो रिज़ल्ट इसका आता है तो आपको लेटेस्ट जो है वीडियो देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।